सिंचन जल्दी चल, तू बहुत लेट करता है। अरे मैंने वीडियो ऑन कर दिया, लोगों को भी तो बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। अरे यार तूने वीडियो ऑन कर दिया क्या? हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू GTA 5 के कमाल के गेम प्ले में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में GTA 5 के अंदर आया है हमारा प्यारा थॉमस ट्रेन। अरे हाँ दोस्तों, आपको तो याद ही होगा हमारा प्यारा थॉमस ट्रेन लॉस सैंटोस में वापस से आ चुका है। बहुत दिन पहले आया था, इस बार फिर से आ गया है। अरे यार सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले उससे दोबारा से मिलने के लिए। तो आज यार सिंचन जल्दी से बाइक में बैठो और हम लोग निकलते। थॉमस ट्रेन है ना यार, वो बहुत ही ज्यादा कमाल है। एंड गाइस, आप लोग यार नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग थॉमस ट्रेन का कार्टून देखते हो। अगर देखते हो तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ यस, और अगर नहीं देखते हो तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ नो। सिंचन क्या लगता है कितने लोग यस लिखेंगे? अरे मेरे को तो बहुत लोग लगता है कि जाके यस लिखेंगे। हाँ दोस्तों, जाके यस लिख दो जल्दी, क्योंकि आप भी थॉमस ट्रेन के फैन हो गए होगे। अरे यार मुझे भी लगता है, मैं भी जाके नीचे यस लिख दूंगा, क्योंकि मैं भी छोटे में ना सिंचन बहुत थॉमस ट्रेन देखता था। अरे वाह, मैं भी छोटे में देखता था। तो छोटा में देखता था तो अभी क्या तू बहुत बड़ा हो गया क्या? अरे नहीं, अभी तो मैं 50,000 सालों का हो गया हूँ, बट 50,000 सालों से पहले मैं थॉमस ट्रेन देखता था। चुप हो जा सिंचन, 50,000 साल पहले थॉमस ट्रेन आता भी नहीं था। ये सिंचन कितना फेंकता है, सिंचन को तो फेंकने भी नहीं आता। अरे चुप करिए, मेरे से ज्यादा तो आप फेंकते, उल्टा बोलते रहते, ऊपर से कुछ बोलते भी नहीं है। है ये क्या बोलता है तू? देखो फिर से चालू हो गए। अरे चुप तो रहिए और गाड़ी को कम ठोकिए। तेरे वजह से ठुक गया गाड़ी, मैं नहीं चाहता था गाड़ी को ठुकना। मतलब कि हर वीडियो में इसके बोल चाल के चक्कर में मेरी गाड़ी ठुक जाती है, मैं ही क्या बताऊँ। अरे इधर उधर घुमाने से अच्छा है, अरे जल्दी से चलिए रेलवे स्टेशन। अरे हाँ यार सिंचन, जल्दी से चल रहे, रुक जा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे और थॉमस से मिलेंगे। थॉमस से मिलने के बाद उसका भाई ओपनिंग सेरेमनी होगा। अरे ये ओपनिंग सेरेमनी होता है क्या फ्रैंकलिन भैया? अरे मतलब कि कोई नया ट्रेन आता है ना, तो उससे पहले उसको सजाया जाता है, उसको मिठाई खिलाई जाती है, उसके बाद उसको ट्रेन को चलाया जाता है, वो ट्रेन थोड़ा मस्त तरीके से चले। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, मतलब कि ऐसा भी होता है? अरे हाँ यार सिंचन, अभी तो बहुत कुछ होता है, अभी तो चल तू, अभी थॉमस ट्रेन के साथ मिलेंगे, थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचाएंगे, फिर उसके बाद थॉमस ट्रेन लॉस सैंटोस में चलने लगेगी, उसके बाद यार हम लोग थॉमस ट्रेन में बैठ भी सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये देख सिंचन, हम लोग आ चुके हैं थॉमस ट्रेन के पास। अरे वाह, ये तो सच में थॉमस ही ट्रेन है। वाओ, मतलब कि वापस से आ चुकी है हमारे लॉस सैंटोस में थॉमस ट्रेन। अरे हाँ यार सिंचन, देख रहा है थॉमस ट्रेन कितना कमाल का लग रहा है। और थॉमस कैसे हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ फ्रैंकलिन, तुम लोग दोनों कैसे हो? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। अरे यार हम लोग भी बेहतर है, सिंचन से तो पूछो। और सिंचन, तुम्हारा दोस्त आ चुका है, तुम क्या कहना चाहोगे? अरे हाय थॉमस, मैं तो तुम्हें बहुत ही मिस किया, मतलब कि तुम जब चले गए थे, बट तुम वापस आ चुके, अब तो रहोगे ना? हाँ सिंचन, अब मैं यहीं पे रहूंगा और मैं यहाँ पे 24 घंटा चलूंगा लॉस सैंटोस में। अरे वाह, मैं भी तुम्हारे में बैठने के लिए जरूर आऊंगा। अब दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन मतलब कि ट्रेन से सफर करेंगे। हाँ तुम लोग दोनों मेरे से ही सफर करना, हम लोग मस्तियाँ करेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में कमाल की बात है फ्रैंकलिन भैया, करेंगे ना? अरे हाँ यार जरूर, क्यों नहीं करेंगे भाई, थॉमस ट्रेन वापस आ चुका है। सो गाइस, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आप चाहते हैं ना थॉमस ट्रेन में हम लोग सफर करें, बहुत सारी जगह में घूमें और बहुत सारी मस्ती करें। अरे हाँ दोस्तों, जाओ जल्दी जाके नीचे कमेंट कर दो, मैं तो जाता हूँ, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है थॉमस ट्रेन, तुम कब से चालू हो जाओगे चलना? हाँ बस थोड़े ही टाइम बाद मैं लॉस सैंटोस में चलना चालू हो जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग जितने भी लोग हो सब बैठ सकते हो मेरे अंदर। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना फ्रैंकलिन भैया? अरे हाँ यार सिंचन, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अब थोड़ी देर बाद मतलब कि थॉमस ट्रेन लॉस सैंटोस में चलने लगेगा। सो गाइस चलो, थोड़ी देर बाद ना थॉमस ट्रेन लॉस सैंटोस की रेलगाड़ी बन करके चलने लगेगा, मतलब कि पटरियों में दौड़ने लगेगा, उसके बाद यार थॉमस ट्रेन में हम लोग बैठेंगे। अरे हाँ चलिए चलिए, चल लगता है लॉस सैंटोस में थॉमस ट्रेन चालू हो चुका है, चलना। अरे यार ऐसी बात है, तो चलो यार जल्दी जाते हैं और थॉमस ट्रेन के अंदर बैठते हैं, क्योंकि यार बहुत ही मजा आने वाले। सोच रहे हो मतलब कि थॉमस ट्रेन चलेगा और बहुत ही मजा आएगा। चलो वेट करते हैं, थॉमस ट्रेन है कहाँ पे भाई? सच में खतरनाक सा मजा आने वाला है। अरे हाँ बहुत ही खतरनाक सा मजा आने वाला है। और यार सिंचन लगता है थॉमस ट्रेन टनल में चला गया। अरे हाँ वहीं पे गया, चलिए हम लोग भी चलते हैं। चलो यार थॉमस ट्रेन का पीछा करते, लगता है इसके अंदर ही है थॉमस ट्रेन।
अरे हाँ, मैंने भी आवाज सुना था, इसके अंदर ही है। तो यार क्यों वेट करना, चलो यार जल्दी से थॉमस ट्रेन को पकड़ते हैं। मतलब कि वो कितना स्पीड से भाग रहा है, वो देखो सामने से भाग रहा है, हमें और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अरे हाँ, गो फ्रैंकलिन भैया, जल्दी चलिए, हम लोग को थॉमस ट्रेन से पहले उससे पहले पहुंचना पड़ेगा स्टेशन। अरे हाँ यार सिंचन, तो चलो ना जल्दी से चलते, सामने ही हमारा थॉमस ट्रेन है, चलो चलो जल्दी चलो फ्रैंकलिन गो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, गो फ्रैंकलिन भैया गो। अरे यार हम लोग इतने करीब तो आ चुके हैं ये थॉमस ट्रेन के पास, चलो यार और करीब जाते हैं। भाई यार चलो, फाइनल यार हम लोग और करीब आते जा रहे थॉमस ट्रेन के। भाई थॉमस ट्रेन ही हो ना, और थॉमस कैसे हो, तुम तो चालोगे चलना। हाँ फ्रैंकलिन, मैं चालू हो चुका हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग मेरे अंदर बैठ के सफर कर सकते हो। अरे यार ऐसी बात है तो ठीक है, अभी तुम काम कर लो, उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन आएंगे और भाई इसके आप बैठ करके सफर करेंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये भी मालगाड़ी लेके कहीं जा रहा है। अरे यार ऐसी बात है तो ठीक है। A few minutes later. अरे फ्रैंकलिन भैया, ये थॉमस ट्रेन रुक क्यों नहीं रहा, अभी तो यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था ना। अरे यार मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, ये थॉमस ट्रेन रुक क्यों नहीं रहा। अरे थॉमस ट्रेन क्या प्रॉब्लम हो गया, तुम रुक क्यों नहीं रहे। अरे भाई साहब ये तो चला ही जा रहा है, ये तो रुक भी नहीं रहा। अरे रुक तो जाओ भाई, तुम्हारे स्टेशन पार हो चुका है, हम लोग कब से तुम्हारे स्टेशन का वेट कर रहे थे, बट तुम वहाँ पे रुके ही नहीं, तुम वहाँ से पार हो गए। अरे ये तो कुछ भी नहीं कह रहा सिंचन। अरे मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अरे यार मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चल देखते ये कहाँ तक जाता है, रुकता भी है कि नहीं रुकता है, चल आ जा सिंचन। अरे हाँ चलिए चलिए। अरे सिंचन ये तो ट्रेन हट करके ये तो भाई भाई रोड में चलने लगा। अरे हाँ ये क्या हो गया, थॉमस तो रोड में चलने लगा, मतलब कि सच में ये तो ट्रेन की पटरी से उतर के रोड में चलने लगा। अरे यार मुझे भी नहीं पता ये हो क्या रहा है, थॉमस ट्रेन ये क्या हो रहा है, भाई साहब ये चल क्या रहा है, मतलब कि भाई थॉमस ट्रेन भाई पटरी से उतर के भाई यार ये कहाँ पे रोड में चलने लगा। अरे ये तो बहुत ही मुसीबत हो चुकी है, ये तो लॉस सैंटोस में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, फ्रैंकलिन भाई कुछ करिए। और यार सिंचन ठीक है मैं कुछ करता हूँ, भाई मैं कर भी क्या सकता हूँ, भाई जब तक हम लोग इसके इंजन के पास नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। और भाई ये तो इस तरीके से क्रैश करके जा रहा है ना गाड़ी को, कि मैं क्या बताऊँ, इसके सामने जो भी आ रहा है उसे बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश करता जा रहा है, भाई देख रहे हो। अरे थॉमस रुक जा भाई रुक जा, ये तू कर क्या रहा है भाई, तेरा तेरा चलने का जगह रेलवे स्टेशन और पटरी है, भाई यार तू रोड में क्यों चल रहा है। फ्रैंकलिन और सिंचन हट जाओ, मेरे अंदर पता नहीं खराबी आ चुकी है, किसी ने मेरे अंदर आके कुछ खराबी कर दिया, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और यार ये ऐसा कौन कर सकता है, जरूर कोई हमारा या फिर तुम्हारा दुश्मन ही होगा जो तुम्हारे अंदर ऐसा खराबी कर चुका होगा। सो गाइस आप ही तो देखो भाई यार ये लॉस सैंटोस में ऐसे चला जा रहा है, ऐसा लगता है इसका घर है भाई। अरे हाँ ऐसे तो चलना नहीं चाहिए, मतलब कि थॉमस ट्रेन यहाँ पे किसी को भी मारते हुए जा रहा है। और यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है सिंचन। अरे हाँ हाँ दोस्तों ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, फिर से देखो ये रोड चेंज कर लिया, अब तो ये लोगों को भी छूचला जा रहा है। और यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, सो गाइस देख रहो थॉमस ट्रेन हर जगह लोगों को कुचल रहा है, अब यार हम लोग किस तरीके से थॉमस ट्रेन को रोके। अरे हाँ मुझे भी समझ आ रहा, अरे ये क्या, ये तो हवा में उड़ने लगा। अरे यार ये क्या भाई, ये तो हवा में उड़ने लगा सिंचन क्या करें। अरे ऊपर चला गया वो, अभी हम लोग को ऊपर भी जाना पड़ेगा। अरे यार ये चल ही कर रहा है थॉमस ट्रेन के साथ। सो गाइस यार फाइनली हम लोग यार थॉमस ट्रेन के अंदर तो आ चुके, इसे हम लोग कंट्रोल भी कर पा रहे, बट यार इसके स्पीड कम ही नहीं हो रहा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया इसके स्पीड तो सच में कम हो ही नहीं रहा, बोलिए क्या कर सकते हम लोग। अरे यार समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, भाई यार ये तो लॉस सैंटोस में पूरा तबाही मचा देगा सिंचन। अरे थॉमस बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हाँ पता नहीं कोई लोग आए थे और मेरा ब्रेक फेल कर दिए हैं, जिसके वजह से मेरा कंट्रोलेशन बिगड़ गया है, अब मैं इसी तरीके से लॉस सैंटोस में घूमता रहूंगा। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर ऐसा हो गया तो लॉस सैंटोस वाले लोग तो मारे जाएंगे, पूरी जगत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारे वजह से। हाँ तुम लोग दोनों कुछ कर सकते हो तो करो। अरे यार क्या करें समझ नहीं आ रहा, भाई तुम जिस तरीके से चल रहे हो ना, जिस रफ्तार से चल रहे हो 179 वो बहुत ही खतरनाक है भाई, तुम्हारा सच में रेलवे ट्रैक ही अलग हो चुका है भाई, तुम लॉस सैंटोस के भाई शहर के अंदर घुसे जा रहे हो। A few minutes later. Finally यार हम लोग थॉमस ट्रेन को रोकने में कामयाब हो गए। अरे हाँ फाइनली हम लोग ने रोक ही दिया। हाँ तुम लोगों ने रोक दिया, शुक्रिया फ्रैंकलिन और सिंचन, तुम्हारे वजह से हम लोग लॉस सैंटोस को बचा पाए। अरे हाँ यार ये सब तो सही है, मतलब कि थॉमस ट्रेन रुक भी चुका है और सब चीज काबू में भी आ चुकी है, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा भाई यार ये हुआ कैसे, थॉमस ट्रेन ये हुआ कैसे, मतलब कि तुम अनकंट्रोल होके लॉस सैंटोस में ही अपना ट्रेन चलाने लगे। अरे हाँ ये कैसे हुआ थॉमस। मुझे पता नहीं एक टाइम एक लड़का आया बहुत ही बॉडी बिल्डर वाला, और उसने मेरी ब्रेक्स निकाल दी।
अरे ये बॉडी बिल्डर वाला तो सुना सुना लग रहा है, ये कौन हो सकता है? अरे ये हमारा दुश्मन भी तो हो सकता है फ्रैंकली भैया। अरे हाँ यार ये भी तो हो सकता है। मेरे वजह से थॉमस सड़क में आ गया था और लॉस सैंटोस में इतनी तकलीफ हुई, तुम लोग भी गिर पड़ रहे थे। मैंने सारी वीडियो बना ली है, तुम लोग घोचू लग रहे थे। ये सारा काम मैंने किया है फ्रैंकलिन, तुमने मेरे को मारा था ना, इसीलिए मैंने ये काम किया। अरे फ्रैंकलिन भैया इसने काम किया है, चलो एक काम करते अपना जलवा दिखाते हैं। अरे हाँ यार अब अपना जलवा दिखाते हैं, इसे छोड़ेंगे नहीं भाई, इसने समझ कर रखा है हम लोग को कभी भी तंग करने का। थॉमस शेन को भी तंग करता है, रुक तेरे को बताता हूँ मैं। तुम कुछ नहीं बता पाओगे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने भी कर लिया जिम शुरू, अब तेरे को बताएगा। अरे तुमने भी जिम शुरू कर दी क्या? और नहीं तो क्या, फ्रैंकलिन मैं भी करने लगे हैं जिम। चलिए फ्रैंकलिन भैया अपना जलवा दिखाइए। अरे हाँ यार इसे तो छोड़ना नहीं, ये ले तुम्हारा थप्पड़ी से मर जा, बहुत आया हमें परेशान करने के लिए। सो गाइस नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। एंड गाइस चैनल में न्यू बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। अरे हाँ दोस्तों जल्दी जल्दी लाइक कर दो, दोस्तों शेयर करना क्योंकि हम लोग इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। अरे हाँ यार आपको थॉमस ट्रेन कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना।